कारण आतंकवाद घटाए हैं। चौबीस के बाद फिर से मोदी जी आने वाले हैं, 26 आते आते जीरो टेरर प्लान 100% इंप्लीमेंट होगा। आतंकवाद जाने के कारण, कम होने के कारण वहां अच्छा वातावरण हुआ है, इसी के कारण ये सब डेवलपमेंट हुआ है। मोदी सरकार के नए कश्मीर का प्लान तैयार, 2026 तक आतंकवाद मुक्त होगा कश्मीर। 370 हटा, कश्मीर की बदली फिजा। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर पर बीते 3 दशकों से आतंकवाद एक बदनुमा दाग की तरह था, मगर केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से कश्मीर में बदलाव की बयार बहने लगी और अब केंद्र सरकार इस कोशिश में लगी है कि 2026 तक दुनिया को एक नया कश्मीर देखने को मिले, जहां आतंक का नामो निशान तक नहीं दिखे। कश्मीर को पूरी तरह से आतंकवाद मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। ये वो प्लान होगा जिसे अमली जमा पहनाकर जन्नत को जख्म देने वालों को हमेशा के लिए जहन्नम की सैर पर भेज दिया जाएगा। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 नए बिलों पर चर्चा की और चर्चा के दौरान अमित शाह ने भरी संसद में कहा, जीरो टेरर प्लान चालू है और ये 2026 तक पूरी तरह से लागू हो जाएगा। गृह मंत्रालय हर माह यहाँ पर सिक्योरिटी रिव्यू करता है और हर 3 माह में मैं वहाँ जाकर सिक्योरिटी रिव्यू करता हूँ। मान्यवर, एक जीरो टेरर प्लान बनाया गया है जिसको हमने इम्प्लीमेंटेशन में लाया है। 3 साल से वो प्लान एक्शन में है। मुझे पूरा भरोसा है मान्यवर कि 24 के बाद फिर से मोदी जी आने वाले हैं, 26 आते आते जीरो टेरर प्लान 100% इम्प्लीमेंट होगा। कश्मीर की आवाम अब देश के साथ तरक्की में कदम से कदम मिलाकर चल रही है और आतंकी घटनाओं में भारी कमी आई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कश्मीर से धारा 370 का हटना। जब से कश्मीर से धारा 370 हटी, तब से आतंकियों और उनके गुर्गों की गिरफ्तारी में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की घटना में किसी भी नागरिक या जवान की मौत नहीं हुई, और तो और आतंकी घटनाओं में आम लोगों की मौत की संख्या में भी कमी आई है। अरे, इसी सदन में रहकर सारी मर्यादाएं तोड़कर अगर धारा 370 खत्म हुई तो खून की नदियां बह जाएगी। कहते थे खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। इस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी। घाटी में आतंकवाद कम होने की दूसरी बड़ी वजह है पाकिस्तान में एक एक कर आतंकियों का सफाया। पिछले कुछ महीनों की अगर बात करें तो आतंकियों की सबसे सुरक्षित पनाहगाह माने जाने वाले मुल्क में ही आतंकियों का काम तमाम हो रहा है। पड़ोसी मुल्क में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी बारी बारी से खबर में समा रहे हैं, जिससे आतंकी सरगना और उनके रहनुमा पाकिस्तान की सरकार सहमी हुई है। ताजा वाकया कराची का है, जहां लश्कर ए तैयबा के बड़े आतंकवादी अदनान अहमद उर्फ हंजला अदनान को अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया। हंजला 2016 में पंपोर में CRPF काफिले पर हमले का मास्टरमाइंड था। इस हमले में 8 जवान शहीद हुए थे जबकि 22 जवान जख्मी हुए थे। इतना ही नहीं, हंजला ने साल 2015 में जम्मू के उधमपुर में BSF काफिले पर हमला करवाया था। इस हमले में 2 BSF के जवान शहीद हुए थे, 13 जवान जख्मी हो गए थे। हंजला की मौत को लश्कर चीफ हाफिज सईद के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अदनान अहमद उर्फ हंजला अदनान लश्कर चीफ का बेहद करीबी था। दरअसल पुलवामा हमले को अंजाम देने में भी हंजला ने अहम भूमिका निभाई थी। हंजला POK के लश्कर कैंप में नए भर्ती हुए आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए जिम्मेदार था। इनमें ज्यादातर वो आतंकी होते थे जिन्हें भारत में घुसपैठ के लिए तैयार किया जाता था। अदनान को लश्कर कम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी कहा जाता था, मगर 2-3 दिसंबर की रात अज्ञात हमलावरों ने 4 गोलियां मारकर अदनान को मौत के घाट उतार दिया। पिछले 1-2 साल की घटनाओं पर नजर डालें तो ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में इस तरह से आतंकियों को निशाना बनाया गया है।
इससे पहले मुफ्ती कैसर फारूक, खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवाड़, एजाज अहमद अहंगर, बशीर अहमद पीर जैसे तमाम आतंकियों को भी अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। इतना ही नहीं, मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ की हत्या कर दी गई थी। अज्ञात हमलावरों ने लतीफ की सियालकोट में गोली मारकर हत्या कर दी। लतीफ 2016 में पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से पाकिस्तान में एक एक कर आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है और साथ ही कश्मीर में घुसपैठियों का सफाया किया जा रहा है, वो दिन दूर नहीं जब धरती का यह स्वर्ग पूरी तरह दहशत मुक्त कर दिया जाए और अमित शाह का प्रण 2026 से पहले ही पूरा हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.